अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगेन वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग ऑफ उदक जहाँ। तो गाइज़ आज की मॉर्निंग हो गई है और रात अच्छी नींद नहीं आई, बार बार आँख खुले जा रही थी और 2 बजे के बाद तो गाइज़ नींद आई और फिर वही उठना था ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, तो उठ गए हैं। और अभी का यह है, किचन से मैं निपट के आ चुकी हूँ, लंच वंच पैक हो गए हैं हम लोग के, बस यहाँ अभी गाइज़ मैं कर रही हूँ हाथ के कपड़ों पर प्रेस। रात जो था बातों में मुझे ध्यान में याद नहीं रहा तो इसलिए रह गया था, अब सुबह उठ गई हूँ तो पहले मैं आयरन कर रही हूँ फिर शॉवर लेने के लिए जाऊँगी। इस टाइम दिखा देती हूँ आपको, टाइम हो गए हैं 7 से निकल गए हैं, 7:05 हो गए हैं ये देखिए। तो बस 5 मिनट में जल्दी से कर लेते हैं आयरन और फिर उसके बाद जो है जल्दी से जाते हैं शॉवर लेते हैं। एक नज़र है कैसे चढ़ा हुआ है बंदर के बच्चे के तरह मेरे ऊपर ये, और वहाँ से इसको मैं ऐसे ही उठा के लेके आई हूँ ना। नींद में मेरा बच्चा, नींद आ रही है बहुत तेज़ है ना, देखने जरा इसे कैमरे में। अरे मेरी जान। तो गाइस जल्दी से हाथ को मैं रेडी कर देती हूँ, ये देखिए आप पागलो, चलो चलो। कौन सा एग्जाम है बाद आना? अभी बोला तो था वीडियो ब्लॉगर्स के सामने, अरे क्या था सब्सक्राइबर के सामने, अरे तो ये तो बोले इंग्लिश का एग्जाम है। इंग्लिश का एग्जाम तो है, विच एग्जाम? इंग्लिश एग्जाम। गाइस आज है महात का इंग्लिश का ओरल एग्जाम, तो विश हिम ऑल द बेस्ट। ओके, और यहाँ देखिए कट कर दिया तो बच्चा कितना छोटा छोटा लगने लगा, वरना इतना बड़ा लग रहा था। और ये देखिए इनके जाना, आपका पैर भी देख लिया, अभी ऐसी बैंडेज बनी हुई है जिसमें जा रहे हैं स्कूल बच्चा। चलो अब्बा को उठाऊँ या मैं ही छोड़ के आऊँ आपको? तो जाओ अब्बा को उठा लो फिर जल्दी से जाके, बोलो टाइम हो गया वैन का। खेल रहे हो, उठा रहे हो? ओए इनके लग जाएगी चोट। कैसे उठाने का? कुछ सब प्लान फ्लॉप है मधु। तो गाइस महात उठा लेते हैं फाई को और फिर देखते हैं महात को छोड़ के आना है, जब तक मैं चलती हूँ किचन में और डिशेस तो सारी सारी वॉश हो गई हैं। और यहाँ आपको दिखाती हूँ इसका क्या हुआ, डिशेस सारी वॉश हो गई हैं, ये जगह पे लगाना है मुझे क्योंकि जो दीदी हैं वो नहीं लगाती हैं बर्तन, तो लगाने वो खुद ही होते हैं, तो ये मैं लगाऊंगी। और हाँ गाइस कल ये जो था इसका वुडन वो टूट गया है और आधा लग गया था, तो पूरा ही हटा के यहाँ हमने रख दिया है क्योंकि कहीं ये मेरे पैर पे या महात की ना गिर जाए या किसी के भी पाई की, तो इसके हमने अंदर रख दिया है। और फिलहाल बस अब लग जाते हैं अपनी ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, पहले महात को नीचे छुड़वाती हूँ मैं गाइस।
तो बस फ्रेंड्स यहाँ हम दोनों बैठ के कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और उसी के साथ देखिए गाइज मैं क्या लेके बैठी हुई हूँ, खीरा ख़राब भी हो रहा था यार, और मैंने सोचा कि अभी लंच बॉक्स में काट काट करके रख लेती हूँ, तो बस यहाँ पर बैठ के वो कर रही हूँ, और उसी के साथ यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी, और हम लोग उतर रहे हैं हम नीचे, और बस चलिए चलते हैं ऑटो स्टैंड तक फाई के साथ। देखिए फाई भी आ गए मेरे साथ नीचे। तो फ्रेंड्स घर में घुसे हम, बहुत थकान हो रही है, और आज तो गर्मी की वजह से मेरे सर में दोपहर से ही 4 बजे इतना ज़्यादा दर्द था, और अभी तक ठीक नहीं है। बस यहाँ शूज़ जो हैं ये रिमूव कर रही हूँ, और यहाँ महादने भी नहीं, बस ये समझिए पानी भी नहीं पिया घर में घुसते ही। तो गाइस हम लोग चेंज कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, चाय वाय पी लेती हूँ, और फिर जाके ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। और हाँ आज फाई के साथ नहीं आई हूँ, फाई को आज मीटिंग थी उनकी, तो आज देर तक ऑफिस में रहेंगे, थोड़ा लेट आएंगे, और मैं आ गई महक को लेके घर। गाइस मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। गेट नहीं खोला अभी तक, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए लाए हो फ्लावर्स या टीचर्स के लिए लाए हो? किसके लिए लाए हो? तो मैम को फ्लावर दोगे? मधु देंगे। अब मैम के लिए फ्लावर लेके आई है, मेरे लिए तो ला नहीं सकते हो? रश्मि मैम भी तो हैं। मधु वाटर पिलाइए। तो गाइस यहाँ ये देखिए टीचर्स डे है कल, गाइस ये देखिए टीचर्स डे है कल, तो उसके लिए आ गए हैं फ्लावर्स, फाइव पैक करवा के लेके आए हैं, और उसी के साथ गाइस एक कार्ड जो है वो मैंने जो बनाया था वो वहाँ से अभी मैं लिखवाऊंगी इस पर। तो ये हो गया है कार्ड, एंड दिस इज़ अ फ्लावर टीचर्स डे के लिए। ओहो गिर गया, कार्ड गिर गया। तो गाइज़ यहाँ बन रहा है टीचर्स डे का कार्ड, और यहाँ देख लिए महाद की राइटिंग, तो महाद यहाँ पर लिख रहा है हैप्पी टीचर्स डे। व्हाट यू आर राइटिंग? लेटर ई, राइट आर। तो ये देखिए गाइज लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी हैं, लेकिन राइटिंग जो है वो महाद की है। भाई यहाँ बैठे मोबाइल चला रहे हैं, मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ, और हाँ गाइस जो मैं बना रही हूँ वो है बिरयानी। बहुत मज़ा मतलब मन कर रहा था बहुत खाने का, और इसलिए मैं जो है बना रही हूँ बिरयानी, और उसके बाद जो है आज कुछ अलग स्टाइल से बना रही हूँ। अगर अच्छी निकलेगी तो रेसिपी शेयर करूँगी, वरना रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। तो गाइस बन गया है टीचर्स डे का कार्ड, और ये देखिए अब कुछ ऐसा लुक है। ओपन करेंगे और यहाँ लिख दी है महत की राइटिंग, हैप्पी टीचर्स डे अब्दुल्ला, और ये आ गया है मैम का लिए रोज़। तो गाइज़ हम लोग फिर से आ गए हैं वही फेयर शॉप पे, और अंदर चलते हैं। कुछ सामान घर का ये था, भागते भागते आ गए हैं कि जल्दी से लेते हुए और घर चलते हैं, घुस जाते हैं फिर से इसके अंदर। भैया लिख दिलवा दो, ये भी लिए क्या साथ में? अच्छा तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बाहर सामान लेके, मतलब देखिए बेफालतू में कुछ ना कुछ करते करते इतना सामान हो जाता है, ये ले लो वो ले लो, इसलिए तो भाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। और वहाँ देखिए फाई है, महाद है, तो वहाँ पर फाई ने सोचा कि आटा भी ले लेते हैं, तो बस फाई वहाँ से आटा ले रहे हैं, और मैं देखिए रोड इस टाइम गाइस ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं, तो इन देखिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लोग भी सो गए हैं। तो गाइस आ गए हम लोग घर में, और ये सारा सामान जो था घर का कुछ भी खास नहीं लिया गाइस, बस यही वो छोटी मोटी चीज़ें, महाद की मैगी, हनी, और एक महाद के लिए साबुन, शेजवान, और बाकी गाइस ये नमकीन, कलेवे की रस, और एक ये चौकोस, यही सब बच्चों के जो सामान होते हैं, ये सब कुकीज़ वुकीज़ ये सब चीज़ें लिए गाइस, तो ये सब बस लेके आ गए घर में। और गाइस बिरयानी मैं एकदम रेडी करके गई थी, चावल भीगे हुए थे आग आके, बस मैंने डाल दिए हैं, बन आती सबसे पहले काम क्या किया, राइस डाल दिए हैं, और टाइम आप लोग देख ली क्या हो गया टाइम गाइस, 11 बज गए हैं, खाना अभी तक हुआ नहीं है, अब यह है कि 10 मिनट में खाना हो जाएगा, उसके बाद यह है कि खाना खा के फिर लेटेंगे, का सामान भी लाना ज़रूरी था, और महाद का कार्ड वार्ड था वो सब भी हो गया,
तो बस कैसे वहाँ आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में, जब तक बने रहिए व्लॉग्स में। और अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल के व्लॉग में, जब तक जाइए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।